मस्तुंग में आज सुबह का सूरज मातम सोग आंसू और दुख लेकर तुलू हुआ। गुज़िश्ता रोज मस्तुंग के इलाके द्रिंगड़ में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में होने वाले खुदकश धमाके में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार नवाबजादा सिराज रिसानी समेत 128 अफराद जान बहक जबकि 200 अफराद जख्मी हुए थे। वाकये के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से 3 रोजा जबकि हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से 2 रोजा सोग का ऐलान किया गया। नवाबजादा सिराज रिसानी की शहादत के बाद बड़ी तादाद में लोग सरावान हाउस जमा होना शुरू हो गए। इस बुहरानी कैफियत से निकलने के लिए एक कमीशन कायम हो जो ट्रुथ कमीशन हो, रिकंसिलेशन ना हो। धमाके में दीगर शहदा की तदफीन का सिलसिला भी मस्तुंग के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। 30 से जायद शहदा की तदफीन के बाद उनके घरों में फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। जान बहक होने वाले अफराद में एक घर के 3 भाई और कजन भी शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा ये बच्चे थे, तकरीबन इनकी उम्र जो है 8 से 10 साल और जो है एक का हमारे जो भांजा इनका जो है 18 साल उम्र था, जो बड़े बेटा था मेरे भाई का कबीर अहमद उसका नाम था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मस्तुंग में जाए वकुआ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पंजाब फॉरेंसिक लैब की टीम से राब्ता किया गया है जिसके बाद जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज किया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा।